गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 5। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में पार्ट 4 में हमने नेस्ट इक्वेशन के बारे में स्टडी की थी, अब उसी के बेस्ड आज हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना एनसीईआरटी से लेके। ठीक है, उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इन पॉइंट्सों से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एक एक नंबर के जो हैं वो आपके सॉल्व हो जाते हैं बहुत आसानी से, आप इसको समझ सकते हैं। देखते हैं पॉइंट क्या है आपका। पहले देखिए, हायर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हायर द नेगेटिव यानी जितनी नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, किसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी ऑफ ए मेटल, किसी भी मेटल की, द मेटल इज मोर रिएक्टिव, वो मेटल उतनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी। ठीक है, सपोज जब आपकी दो मेटल दे रखी हैं, उनकी वैल्यूज भी दे रखी हैं, आप इसमें से पूछा गया है कि कौन सी मेटल आपकी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आप कैसे पता करेंगे उन मेटल की इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यूज को देखकर, जिसकी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू वो ज़्यादा आपकी क्या है, रिएक्टिव होगी। ठीक है, पहला तो यहाँ से हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया कि मोर रिएक्टिव, वो उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव होगी। इसके बाद है एज वेल एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से हमारा सॉल्व हो जाता है कि अगर दो आपकी मेटल दे रखी हैं, दोनों की हमें वैल्यूज दे रखी है, अगर उसने ये पूछा है कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है, ये भी बता सकते हैं जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू उतनी ज़्यादा रिएक्टिव वो मेटल होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों में से गुड रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो हम क्या कहेंगे कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वही आपकी ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट शो करेगी। ठीक है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगी, दूसरी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी इस लाइन से। तीसरा पॉइंट क्या है, डिस्प्लेस अदर मेटल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है यानी कम जिसकी ई सेल नॉट वैल्यू जो कम है उसके सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, जैसे एक है आपका जिंक, एक है आपका कॉपर, दोनों ही आपके क्या मेटल है, इसकी वैल्यू जो होती है वो आपकी ज़्यादा नेगेटिव होती है, हायर नेगेटिव वैल्यू होती है जिंक की कॉपर से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, पहला। दूसरा, जिंक इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन कॉपर, दूसरा ये हो गया। तीसरा, जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन में से, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को जिंक क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसलिए कभी भी जिंक के पॉट में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हम नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि जिंक आपका हायर रिएक्टिव मेटल है कॉपर से। आवाज नहीं आ रहा। तो ये आपके तीन क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, विच हैव लेस वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसकी ई सेल नॉट वैल्यू कम है उसको क्या करती है, डिस्प्लेस भी कर सकती है, उससे ज्यादा रिएक्टिव होगी, उससे अच्छा गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगी। ठीक है, ये बात। एक पॉइंट इसमें और है, चौथा पॉइंट क्या है, हायर नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई सेल नॉट मीन्स मोर इजिली टेक ऑफ ऑक्सीडेशन, उसी पे क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन होगा। जिंक और कॉपर के केस में हमने देखा है जिंक पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है, कॉपर पे क्या होता है आपका, रिडक्शन होता है। ये बात आपके क्लियर होगी। चार पॉइंट है आपके, अगर ई सेल नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा है, ये ई सेल नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो दूसरे कम नेगेटिव वैल्यू को या पॉजिटिव वैल्यू जो है, कम नेगेटिव मतलब क्या, कम नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो उसको भी हम कमी मानेंगे, उसको क्या करते हैं, उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगी, उससे ज़्यादा नेगेटिव होगी और उसी पे ऑक्सीडेशन होगा जिस पे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है आपकी। ठीक है, ये सारे आपकी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आपके। अब इसका अपोजिट पॉइंट क्या होगा, मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ई सेल नॉट, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी आपकी लेस रिएक्टिव, कम पॉजिटिव वैल्यू से या नेगेटिव वैल्यू से वो क्या होगी, लेस रिएक्टिव होगी, कम रिएक्टिव होगी पहली चीज, क्योंकि वो तो स्टिल ज़्यादा है। टेक रिडक्शन इजिली, उस पर क्या होगा, रिडक्शन आसानी से हो जाएगा। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या होगी, अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी, गुड ऑक्सीडाइजिंग यानी हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करेगी। जैसे कि आपके ए एक्सेल नॉट की वैल्यू है आपकी प्लस टू, एक ही आपकी प्लस वन, जिसकी प्लस टू वैल्यू है वो प्लस वन वाली से लेस रिएक्टिव, वो तो यहीं से क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब रिडक्शन जो होगा किस पे होगा, ज़्यादा पॉजिटिव वाली वैल्यू पे, ये माइनस भी हो सकती है फिर भी रिडक्शन इसी पे होगा आपका। और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाएगा तो ये होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू होगी आपकी। ठीक है, अब इसी की बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे और भी ज़्यादा ये क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और दिखा दूँ। देखिए
एनसीईआरटी पेज नंबर 69, इसमें आपके इलेक्ट्रो पोटेंशियल सारे दे रखे हैं। तो लिथियम का इलेक्ट्रो पोटेंशियल है -3.05। लिथियम का क्या है आपका इलेक्ट्रो पोटेंशियल? -3.05 इलेक्ट्रो पोटेंशियल है। इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा मैक्सिमम अगर किसी का इलेक्ट्रो पोटेंशियल है वो लिथियम का है। इसका मतलब ये है कि लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है इस पूरे टेबल में। इस पूरे टेबल में क्या सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल, यानी कि लिथियम को अगर किसी सॉल्यूशन में डाला जाए, जो ऊपर वाले इसके जो मेटल है उनके सॉल्यूशन में, तो लिथियम सबको डिस्प्लेस भी कर सकता है। और ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है आपका। गुड क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट भी शो करेगा और डिस्प्लेस कर देगा दूसरे मेटलों को, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है ये। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद हम प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए 3.1 पेज नंबर है आपका 91। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ दियर सॉल्ट्स। यानी अगर उनके सॉल्यूशन में सॉल्ट्स में अगर जो मेटल हैं वो मेटल दे रखी हैं, अब ये बताना है कि कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस कर देगी। यहाँ पे सेल लेंथ की वैल्यू गिवन नहीं है। क्यों गिवन नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही टेबल में दे रखी है, तो वहां से देख के हमें इसको समझना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या पार्ट दे रखा है। सबसे पहले हम उसकी ई सेल नॉट यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज को देखेंगे, उसके बाद ही उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो आपकी दे रखे हैं वो क्या क्या है आपका? एल्यूमिनियम 3.1, ठीक है, एक्सरसाइज का है ये आपका क्वेश्चन। एल्यूमिनियम है आपका, कॉपर, देन आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक, ये दे रखा है मैडम। ठीक है, कौन सा किस मेटल को डिस्प्लेस कर देगा ये हमें बताना है। अब इस एलिमेंट की वैल्यूज कितनी होती है? मैग्नीशियम की है आपकी -2.36, बुक में देखेंगे तो। अब इसके बाद एल्यूमिनियम की है मैडम आपकी -1.66, और इसके बाद कॉपर की है आपकी 0.34, एंड आयरन की -0.44, जिंक की है -0.76। तो अभी हमने जो बताया था, क्या बताया था, कि जितनी ज्यादा ई सेल नॉट की नेगेटिव वैल्यू होगी वो दूसरे को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगी। तो हमें क्या देखना, सबसे पहले सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू देखनी है। तो -1.66, 0.34, -0.44, मैग्नीशियम की देखी जाए तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम एक ऐसी मेटल है इनमें से जो इन सभी मेटल को, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और दूसरे जो आपके मेटल हैं उनमें से, उनके सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर सकती है। इसके बाद मैग्नीशियम के बाद क्या है आपका? एल्युमिनियम। सेकेंड नंबर पर आपका क्या आ जाएगा? एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम का केस क्या है कि एल्युमिनियम आपका कॉपर, आयरन और जिंक को तो कर सकता है, लेकिन मैग्नीशियम को नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसकी ई सेल नॉट वैल्यू जो है वो आपकी कम नेगेटिव है, किससे? मैग्नीशियम से। अंडरस्टैंड। इसके बाद बेटा आ जाएगा आपका जिंक, देन आयरन, नेक्स्ट है आपका कॉपर। तो ये ऑर्डर आपका आ जाएगा। ठीक है, एंट्रेंस में इसी टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक नंबर पूछा जाता है, इसलिए इस टाइप क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इस चीज का आप खासा ख्याल रखें। क्वेश्चन नंबर टू है आपका गिवेन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सभी मेटल के दे रखे हैं। ठीक है, ये तो आपका गिवन है। अब क्वेश्चन क्या है? अरेंज दीज मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या? पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यानी पहले कम रिड्यूसिंग पावर वाला रखना है, फिर ज्यादा वाला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि किसकी कितनी वैल्यूज दे रखी है। पोटेशियम की दे रखी है बेटा -2.93, इसके बाद मर्करी की आपकी दे रखी है 0.79, वोल्ट में होती है बेटा सब वैल्यू। क्रोमियम की है बेटा आपकी -0.74,
सिल्वर है अपना आपका 0.80 एंड लास्ट मैग्नीशियम है बेटा आपका -2.37। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का। अब हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर हमें इसमें लिखनी है। तो सबसे कम रिड्यूसिंग पावर, सबसे कम रिड्यूसिंग रिड्यूस एजेंट कौन सा है इसमें, जिसकी सबसे कम आपकी नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव में हो। तो अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा, सबसे नेगेटिव वैल्यू देखें 2.93, तो इसको सबसे लास्ट में लिख दें 2.93 वाली। पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर शो करेगा पोटेशियम, ठीक है। इसके बाद किसकी कम है नेगेटिव, मैग्नीशियम। पोटेशियम सबसे ज़्यादा, उससे कम क्या है, मैग्नीशियम। अगर ऐसे नहीं आ रहा उल्टा करके लिख लीजिए, वरना सबसे पॉजिटिव वाली वैल्यू देख लीजिए। इसके बाद क्या है, क्रोमियम। क्रोमियम मैग्नीशियम पोटेशियम से कम है, लेकिन सिल्वर और मर्करी से क्या है, ज़्यादा है। अब यहाँ है 0.80, 0.79, तो कम किसके, नेगेटिव ज़्यादा, तो इसके क्या आएगी, मर्करी। और सबसे लीस्ट जो है वो है बेटा आपका सिल्वर। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी है, पोटेशियम की, और सबसे कम जो है वो किसकी है, सिल्वर की है। समझ में आ गया नहीं आ गया, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं, दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इक्वेशन के ऊपर भी अभी क्वेश्चन आने वाले हैं, सभी उनको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है, कंसेप्ट को याद रखना है, सारे क्वेश्चन आपके वन बाई वन होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन टेक प्लेस फर्दर शो। सबसे पहले तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है, एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, उसे क्या करना है, हमें सेल की फॉर्म में लिखना है। फर्दर शो, इसके अलावा 3 क्वेश्चन इसमें और ऐड है, वो क्या है, विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है, पार्ट 2 में मैंने आपको बताया है, उसको देख लेना, ठीक है। द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल, कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल क्या है, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, और दोनों इलेक्ट्रोड पे हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिडक्शन की रिएक्शन हमें लिख के दिखानी है, ठीक है। क्वेश्चन आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, Zn सॉलिड प्लस सिल्वर इन एक्वस क्या आएगा, Zn इन एक्वस सिल्वर एट सॉलिड, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इसको सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। सेल रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान है, सबसे पहले हम हाफ सेल ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख देते हैं, फिर हाफ सेल रिडक्शन की, और बीच में लगा देते हैं सॉल्ट ब्रिज। ऑक्सीडेशन निकालना आपको बताया था, बहुत आसान है, Zn से Zn, S से Aq देख लो, या 0 से प्लस 2 यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन किस पे होता है आपका, किस पे होता है, ठीक है। तो जिंक से Zn से Zn 2 प्लस आयन, ये ऑक्सीडेशन की इक्वेशन दिखा दी, जो कि होती है आपकी एनोड पे। उसके बाद बनाना है सॉल्ट ब्रिज, फिर सिल्वर एक्वस से सिल्वर किस पे आता है आपका, इलेक्ट्रोड पे आता है। ये तो हो गया इसका सेल रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया यहाँ से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था कि आप जिंक इलेक्ट्रोड को, हाँ, कौन सा आपका इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है। तो जो मैंने आपका गैल्वेनिक सेल बनाया था उसमें लिखाया था एनोड राइट में था, सॉरी लेफ्ट में था, और आपका कैथोड राइट में था। तो ये जिंक, ये किसका होगा, सिल्वर का होगा। इन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एनोड हमेशा जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। एनोड क्या होता है आपका, नेगेटिवली चार्ज। तो इसका सेकंड का आंसर मान लो इसको या फर्स्ट का मान लो, तो क्या नेगेटिवली चार्ज जो है वो कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज है आपका एनोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें कैरियर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन एंड आइंस, इलेक्ट्रॉन एंड आइंस, इलेक्ट्रॉन और आइंस की वजह से तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट किसके वजह से फ्लो हो रहा है ये पूछा गया। तो
तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जब सॉल्यूशन में डिजोल्व कर देते हैं वो अपने आयन में टूट जाता है, जिसके वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से आप क्या होता है करंट फ्लो होता है। थर्ड क्वेश्चन था बेटा आपका इसमें इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, यानी एनोड पे और कैथोड पे कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है वो हमें इसमें दिखा देनी है। तो एनोड व एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, हाफ सेल ऑक्सीडेशन एट एनोड क्या होगा Zn से Zn2+ आयन इन एक्वस, पहले करा दिए क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से हाफ सेल रिडक्शन एट कैथोड एनॉक्स रेड कैट, ध्यान रखना। तो क्या आएगा Ag+ से Ag सॉलिड, ठीक है, ये आपका आ गया प्लस टू इलेक्ट्रॉन।